वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नेल पेंट बाय करने से लेकर अप्लाई करने तक की सारी टिप्स और टेक्निक्स, और ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी नेल पेंट से ही अपनी नेल पेंट रिमूव कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। कुछ बेसिक सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आपकी नेल पेंट और भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, तो गाइस सबसे पहली बात है कि हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी की नेल पेंट बाय कर लें, हमारी नेल पेंट का पिगमेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता। उसका क्या रीज़न है, क्या होता है, अक्सर हम नेल पेंट बाय करते हैं और रख देते हैं, तो क्या होता है उनका रखे रखे एक जो नेचुरल ऑयल होता है जिसकी वजह से नेल पेंट हमारी शाइन करती है वो ऊपर की तरफ होता है और बाकी का जो उसका लिक्विड होता है वो नीचे की तरफ होता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले नेल पेंट को उल्टा करके अच्छे तरीके से शेक करना है। ये नहीं कि एक दो दफ़ा आपने किया और उसके बाद अप्लाई करने, आपने इसको अच्छे तरीके से शेक करना है और उसके बाद अप्लाई करना है। और ये भी बताऊंगी कि अक्सर क्या होता है कि छोटे नेल्स पर, जैसे कि मेरे नेल्स हैं, इन पर नेल पेंट इतना सूट नहीं करता, क्योंकि जो लंबे नेल्स होते हैं, जो कि लाइक जिनके लंबे नाखून होते हैं, उन पर कोई भी नेल पेंट बहुत अच्छी लग रही होती है। आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से प्रॉपर शेक करना है। और अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है ना, आपने डायरेक्ट नेल के स्टार्ट से नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट थोड़ा थिक क्वांटिटी में होता है तो नेल पेंट आपकी फैल जाती है। आपने कोई इंटरनेट के फजूल से हैक्स नहीं ट्राई करने जिसमें नेल के इर्द गिर्द टेप लगा लें तो ये कर लें, कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपने क्या करना है, लिक्विड थोड़ा कम लेना है, ठीक है। आपने नेल पेंट निकालने के बाद ब्रश को थोड़ा सा वाइप आउट करना है और अपने नेल के सेंटर में रख के अपने ब्रश को थोड़ा सा फैलाना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्मूथली बिल्कुल अप्लाई करनी है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, हमारी ब्लैक नेल पेंट और ये सारी, अच्छा आप देख रहे होंगे कि वो अप्लाई हुई भी उतरी हुई है। जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी वो ऑफ कैमरा रिकॉर्ड हुई थी, तो फिर मैंने दोबारा से नेल पेंट सारी अप्लाई की है ताकि आपको रिज़ल्ट दिखा सकूं, ठीक है। आपने इसी तरीके से अप्लाई करनी है सारी नेल पेंट को और उनको अच्छे तरीके से बंद कर देना है। अच्छा, तो गाइज़ आपने क्या करना है, किसी भी नेल पेंट का जो भी आपने अप्लाई किया, ठीक है, उसका डबल कोट ज़रूर करना है। एक दफ़ा आपकी ड्राई हो जाए उसके बाद आपने उसका डबल कोट ज़रूर अप्लाई करना है। मेरे पास एक ग्लिटर वाली नेल पेंट हमेशा होती है। ये इसलिए होती है कि हमारे नेल्स क्योंकि छोटे होते हैं, लंबे नेल्स पेंट पर इस तरह की स्मूथ नेल पेंट बहुत सूट करती हैं, लेकिन जिस तरह के मेरे नेल्स हैं उन पर इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी ग्लिटर वाली नेल पेंट एक दफ़ा ऊपर ज़रूर अप्लाई कर लेती हूँ, उसकी वजह से एक अच्छी सी लुक आ जाती है, ठीक है। देन असल चीज़ जो है, जो कि मैंने खुद से ही ट्राई की थी और ये इसने काम किया है, ठीक है। आपने कोई भी अपनी नेल पेंट इस तरह की जो कि आपको पसंद ना हो, जिसका कलर इतना अच्छा ना हो, आपने वो अप्लाई करनी है सही नीट, मतलब रफ रफ भी कर दें। आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है और गीला गीला ही किसी भी टिश्यू से लेके आपने वाइप कर लेना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम यही प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा नेल पेंट रिमूवर अक्सर गायब हो जाता है, पड़े पड़े वो ड्राई हो जाता है, उड़ जाता है, पता नहीं, जैसे परफ्यूम रखे रखे ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह मेरा रिमूवर ख़त्म हो जाता था। तो ये ट्रिक मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, तो आपने भी ये ट्राई करना है तो मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की बेसिक मज़ीद चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।